रेलवे को बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, PSNL बेच दिया, आ गाली दे रहे लालू जी के। अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, तो देश पे आज तक कोई रेल मंत्री नहीं दिया। मोदी जी हर चुनाव में 5 साल बाद आते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं, गोबर को भी हलवा परोस देते हैं, आप फोड़ देंगे, बोलेंगे चश्मा दे देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दे दिया, यही नहीं बोलेंगे कि आंखों फोड़ दिया। सभी हमारे पदाधिकारी गण, सब लोग टिकारी के दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आप सब लोगों का इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाई अभय कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है महागठबंधन के तरफ से। इनके हाथ में लालटेन थमाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद की जनता, टिकारी की जनता एक तरफा होकर मजबूती के साथ इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। अरे जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। आप लोग सब लोग जान रहे, चाचा जी तो पलट गए, लेकिन जहां भी रहे स्थिर रहे, खुश रहे, बुजुर्ग है, अभिभावक है, हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया उनको। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया, और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज टिकारी की जनता, महान जनता के बीच आए, कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। यही विधानसभा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला था 2020 में, हमने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपका भाई बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और जब मुख्यमंत्री जी आए भाजपा को लात मार करके, तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हमने कमिटमेंट किया है तो तेजस्वी नौकरी देगा, और 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन अभी भी कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। पढ़ लिया, लिख लिया, डिग्री मिल गया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमने के असली दुश्मन बात तो बेरोजगारी है बा। मेरा मानना है अगर हमारा असली दुश्मन बात तो महंगाई बा। बताइए हर चीज का कीमत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? थाली में कोई चीज उठा लीजिए, तेल मसाला से लेके कोई चीज उठा लीजिए, सब का महंगा हो गया। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, इतना हर चीज महंगा कर दिया जा रहा है। आप देखिएगा देश में हमारा अगर असली कोई दुश्मन बा तो गरीबी बा। उस गरीबी को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है, ये है असल मुद्दा, इस पे चुनाव होना चाहिए। क्षेत्र मुद्दा हावी है और हम आप लोगों के बीच आए, गांव की समस्या, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव वालों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, ये हमारा मानना है।
और लोकतंत्र की आत्मा क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल जानते हैं कि वहाँ की क्या समस्या है, क्या बात है, कैसे समस्या का निदान होगा। लेकिन मोदी जी हर चुनाव में 5 साल बाद आते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं, गोबर को भी हलवा परोस देते हैं, आग फोड़ देंगे, बोलेंगे चश्मा दे देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दे दिया, यही नहीं बोलेंगे कि आंखों फोड़ दिया। क्या बात करते हैं मोदी जी ने। मोदी जी एक वादा बताओ उन्होंने पूरा किया तो 14 में आए, 10 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं, 10 साल से प्रधानमंत्री, और बिहार सरकार में कितना साल से एनडीए का सरकार है, 17 साल से, 18वां चल रहा, 18 साल बिहार में, 10 साल भारत में, और यहाँ के जो एमपी है भाजपा के वो कितना साल से है भाई, 15-20 साल हो गया, सब कुछ उनका। टेकारी का विधायक भी हमको लगता है कि नहीं नहीं अभी उन्हीं का विधायक, उनका एमपी उनका 15-15 साल से, बिहार में सरकार उनका 17 साल में, 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार में, लेकिन अभी भी बेरोजगारी, अभी भी गरीबी, अभी भी लाचारी, अभी भी देखिएगा किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ, फसल का कीमत नहीं मिलता है, अभी कटनी हो ना गया है, सही रेट नहीं मिलेगा, काहे क्योंकि बेईमान लोग सत्ता में बैठा है। आप तो इतना सर ऊपर से नीचे सब वही लोग है, गाली हम नहीं है लोग के देते हैं। अरे अपने काम के बारे में बताइए, आपने क्या किया। यहाँ आप सब लोग देखिएगा, मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, भारी भारी नेता आएगा चुनाव में, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा मोदी जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, बताओ क्यों नहीं दिया। आज देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेच दिया गया, पता रेलवे में बहाली कितना निकलता था, अब सब खत्म कर दिया। सेना में सबसे ज्यादा बहाली निकलता था, लेकिन अग्निवीर योजना लाए हैं मोदी जी, 4 साल का ठेका पर, 4 साल में आपको बाहर कर देंगे। और जवान लोग दिन रात मेहनत करके दौड़ भाग कर करके तैयारी करता है, मेहनत करता है, माँ बाप पेट काट के पालता है, पढ़ाता है, लेकिन ये 4 साल में खत्म कर देगी। और ये योजना ऐसा है अग्निवीर योजना, आप लोग बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर तेजस्वी गलत कह रहा है तो गलत बोलो, अगर सच बोल रहा है, सही बोल रहा है तो सही बोलना। आप लोग बताइए कि जो हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। बताओ पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जवान को पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, कैंटीन की सेवा नहीं मिलेगी, यही है मोदी जी का असली चेहरा। सब चीज रेलवे को बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, PSNL बेच दिया, और गाली दे रहे लालू जी के। अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, तो देश पे आज तक कोई रेल मंत्री नहीं दिया। बता मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री कितना कारखाना बिहार को दिए, लेकिन जब लालू जी रेल मंत्री थे तो रेलवे का 3-3 कारखाना, पहिया कारखाना, जी का सब दे दी, किराया कम करते थे, भाड़ा कम करते थे, आज रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया हो गया, पहले लालू जी के समय 3 रुपया था, अब भाड़ा कितना बढ़ गया, कोई दिल्ली जाएगा, कोई बॉम्बे जाएगा
कितना भाड़ा बढ़ गया वो आप लोग जानते हैं। लेकिन लालू जी जब रेल मंत्री थे तो कुल्हड़ चालू किए थे, कुल्हड़ ताकि कहार भाई लोग के पेट जो है काम चलता रहे। पूरा रेलवे में कुल्हड़ चलवाने का काम किए। लालू जी थे तो उनकी भी सोच थी कि खाली अमीर एसी में सफर करेगा ट्रेन में, तो गरीबों के लिए गरीब रथ चालू किया, स्लीपर में भी एसी चालू कराने का काम किया था लालू जी ने। ये लोग लालू जी को गड़िया रहे, बिहार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, पलायन कैसे रोकेंगे इस पे बात नहीं कर रहे, आगे अगर इनको मौका मिलेगा 5 साल तो क्या करेंगे इसके बारे में नहीं बोल रहे। और क्या करें, मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाई को भाई से लड़ाना, दंगा फसाद कराना, लेकिन आपका भाई कलम बांट रहा है तो भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी बताइए रामनवमी आएगा, लगेगा तलवार बंटवावे, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो सब थानेदार साहब पकड़ पकड़ के ले जाएंगे जेल में, वो युवा का भविष्य खराब करेंगे, माँ बाप परिवार परेशान रहेगा, कहाँ मारा पीटी करके आ गया, और हम लोग कलम बांट रहे हैं तो पूरा परिवार खुश रहेगा, उसका जीवन बनाने का बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए, देश की आजादी में सबने कुर्बानी दी है, लेकिन लोकल इशू होना चाहिए, लोकल इशू क्षेत्रीय मुद्दा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाजपा के लोग कि नीमन कैंडिडेट नहीं है, ऊपर देख के हम वोट देंगे। किसको ऊपर देखिएगा भाई, मोदी जी गरीब के नीचे देखबे नहीं करते तो उनको कहा ऊपर देख करके लोग वोट देंगे। मोदी जी कहाँ गरीब के? बोलते 5 किलो अनाज दिया, अरे वो तो कांग्रेस के जमाना से चलता आ रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल कानून कांग्रेस लाई अनाज बांटने का, कौन मोदी जी के आने के बाद अनाज मिलता, पहले अनाजो मिलता था, करुआ तेलो मिलता था, चीनियो मिलता था, किरासन तेलो मिलता था, सब मिलता था। आप बताइए इसी पे बता, बोलते गरीबी खत्म कर दे, गरीबी खत्म कर दिया तो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देश में काहेला बांट रहे, क्या स्थिति, 80 करोड़ लोग सोचो अनाज पे जी रहा है। हम लोग आएंगे तो अनाज तो मिलवे करेगा, फसल का उचित दाम भी मिलेगा, और साथ साथ में नौकरी भी हम लोग देंगे, महंगाई को भी खत्म करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो हर एक चीजों को ध्यान में रखेंगे, ओल्ड पेंशन लागू लाएंगे, हम लोगों का सरकार लाइएगा तो सारे लोगों को शहीद का दर्जा देंगे, जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है सारा CRPF वाला ही सब जितना है उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, हम लोग आएंगे तो उनके शहीद को दर्जा देने का काम करेंगे, जो देश की रक्षा करे। तो इसलिए ये लोग आएगा, दाना देगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि जाल में फंसना नहीं है, ये बिहार है बिहार, अब बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो आप लोगों का साथ मिलेगा ना, सभी लोग जितना बुजुर्ग बारे सबके यहीं से गोर छू के प्रणाम, जितना माता बहन बारी सबके हाथ जोड़ करके नमस्कार, और जितने नौजवान बड़े यहीं से गले लगाते हैं सबके, तो बताओ हाथ उठा करके जिताने के लिए जिताने उड़ेंगे, भगाना के लिए भाजपा को भगाना, तो हम विजय का माला पहना दे एक बार, चुपचाप चुपचाप चुपचाप, बेकारी की जनता, बेकारी की जनता, बेकारी की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।